तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आईपीओ अभी लाइव है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये डिसीजन लेने में कि इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। हर बार की तरह डेटा पर फोकस करेंगे दोस्तों। ब्रोकरेजेस की क्या राय है वो हम आपको बताएंगे, ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, एंकर इन्वेस्टर का क्या कहना है, वैल्यूएशन क्या है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इस आईपीओ से जुड़ी हुई, 7 से 9 तारीख तक ये आईपीओ लाइव है दोस्तों। टोटल आईपीओ साइज अगर आप देखेंगे 1546 करोड़ का ये आईपीओ है। प्राइस बैंड है 880 से 900 के बीच में। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है 16 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट में टोटल 14,400 रुपीस का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर समझ लीजिए यही 900 के प्राइस में ये लिस्टिंग इसकी होती है तो 9,559 करोड़ का मार्केट कैप होगा। मतलब ये एक स्मॉल कैप होने वाली है दोस्तों। स्मॉल कैप है तो वोलेटिलिटी भी रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। ब्रोकरेजेस की क्या सलाह है, मोतीलाल ओसवाल उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है दोस्तों। मारवाड़ी फाइनेंशियल सब्सक्राइब की सलाह दी है, एंजल ब्रोकिंग उन्होंने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है और जियोजीत उन्होंने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है। ग्रे मार्केट प्राइस आपको बता देते हैं। देखिए जब ये वीडियो बन रहा है ये मैं 8 तारीख को दोपहर के समय में बना रहा हूं, तो 50% ग्रे मार्केट प्राइस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग है। अलग अलग वेबसाइट सेकेंडरी रिसर्च हमने किया हुआ है तो इसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्राइस एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता है, ये थोड़ा एक अंदेशा देता है। 10 में से 7 या 8 केस में ये एक सही अंदेशा दे पाता है, तो अभी एक स्ट्रॉन्ग है। बट जो चीज को मैं सीरियसली देखता हूं वो है एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं 41 स्कीम्स ने यहां पर अप्लाई किया है, जहां पर भारत की 7 म्यूचुअल फंड हाउसेस, देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC, SBI म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया, आदित्य बिरला सनलाइफ, कोटक, ICICI, तो ये जितने भी बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने अप्लाई किया है। उनकी 23 स्कीम्स ने अप्लाई किया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है जैसे कि एक्सिस टैक्स सेवर है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, SBI कॉन्ट्रा है, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया ग्रोथ है, तो कुछ बड़ी स्कीम्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है। बड़े म्यूचुअल फंड्स के नाम है और बड़े FIIs भी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, गोल्डमैन है, तो इन सब ने, तो ये कंफर्ट देता है। एटलीस्ट जो बड़े बड़े एंकर लिस्ट होने से एक कंफर्ट आता है। और सेम चीज हमने ग्लैंड फार्मा में देखी थी, किम्स में भी देखा था, और ये चीज हमने वीडियो में भी बताया था कि ये एक छुपा रुस्तम या ऐसा घोड़ा हो सकता है, और सेम चीज यहां पर भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं आपको एक और बोनस में जानकारी दे दूं, GR इंफ्रा की भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर लिस्ट हमने देखी थी दोस्तों, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों आईपीओ में एक कंफर्ट बैठता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ग्रे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, एंकर लिस्ट स्ट्रॉन्ग है, और इनके जो बिजनेसेस भी जो है वहां पर भी एक स्ट्रेंथ दिखती है दोस्तों। आगे बढ़ूं उससे पहले तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर अप्लाई करें तो उसके लिए घर में ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट होने चाहिए। तो डीमैट अकाउंट्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अब क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, और ये जो केमिकल्स है कहां यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मा दवाइयों में उपयोग होता है, फिर फ्रेग्रेंसेस जो है, फ्लेवर्स जो है, खाने के जो फ्लेवर्स होते हैं वहां पर यूज होता है, पर्सनल केयर में इनका यूज होता है, अलग अलग जैसे फार्मा कंपनियां है, FMCG की कंपनियां है, फिर परफॉर्मेंस केमिकल है, तो ये सब इनका यूजेज करती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स नहीं, बड़े बड़े इनके बायर्स हैं, बेयर है, SRF है, विनाती है, तो ये सब बड़े बड़े इनके कस्टमर्स हैं दोस्तों। अब वैल्यूएशन पर मैं आऊं, वैल्यूएशन आपको यहां पर वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। स्पेशलिटी केमिकल्स के जो दूसरे भी स्टॉक्स हैं, आप दीपक नाइट्राइट को ले लीजिए या फिर विनाती ऑर्गेनिक्स को ले लीजिए, ये सब ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। तो PE देखिए इसका 48.2 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 17 है, अर्निंग पर शेयर जो है 18.7 है, तो कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही, तो जो वैल्यूएशन का जो कंफर्ट है वो शायद इस आईपीओ में आपको नहीं मिलेगा एटलीस्ट। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए शायद देखना थोड़ा सा रिस्की मुझे लगता है, हो सकता है, बाकी शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेन के लिए तो सब तारे मुझे लगता है एक जगह में है, पॉजिटिव यहां पर दिख रहे हैं। अब देखिए जो मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, जैसे MEHQ है, लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड,
BHA लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये सब जगह में इनकी वर्चुअल मोनोपोली है. एनिजॉल है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यही प्रोड्यूस करते हैं. 4MAP है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. तो ये सब जो केमिकल्स है यूज होते हैं FMCG फार्मा जो सेक्टर है वहां पर ये सब यूज होते हैं, और यहाँ पर ये लार्जेस्ट इन्हीं का ही दबदबा है. तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, और चूंकि मोनोपोली है तो ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन को भी कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं. अब मैं आपको नंबर्स पर आऊं, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, सब जितनी भी स्लाइड्स है मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है. रेवेन्यू आप देखिए 242 करोड़ 2018 में था, जो कि बढ़कर 419 करोड़ के आसपास हुआ, 31% बढ़ा है. पैट मार्जिन 28.5% बढ़ा है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 36% से 58% बढ़ा है. तो ये जितने भी नंबर्स हैं एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं. आप देख सकते हैं 49 करोड़ से प्रॉफिट भी 2020 में 140 करोड़ हुआ है. तो एक ग्रोइंग कंपनी है, 31% के हिसाब से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, पैट मार्जिन 3 सालों में 28.5% इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल 26% 3 सालों में ग्रो हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग चीज है. और मैं वही बोलता हूँ, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन ये सब जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वैल्यूएशंस को कुछ हद तक यहाँ पर जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं. अब दोस्तों इक्विटी मार्केट है तो रिस्क भी है, आरएनडी कैपेबिलिटी पर बहुत डिपेंडेंट है, कैटालिटिक जो प्रोसेसर्स है इनके पेटेंटेड नहीं है, टॉप 10 कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, 48% रेवेन्यू वहीं से ही आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रप्शन जैसे कोविड है या फिर अलग अलग लेबर इशू वो हो सकते हैं. अब लास्ट में करना क्या है, अप्लाई करना है या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर डेटा पर हम बात करते हैं. एंकर लिस्ट हमने देखी स्ट्रांग है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस जैसे SBI है, ICICI है, HDFC है, निपॉन है, आदित्य बिरला, तो इन सब ने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है. वैल्यूएशंस प्राइसी है तो वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा नहीं बैठता है, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा फाइनेंशियल्स में कि इसने ग्रो भी बहुत स्ट्रांग किया हुआ है, तो ग्रोइंग कंपनी है तो वैल्यूएशंस कुछ हद तक यहाँ पर जस्टिफाई होते हैं. ग्रे मार्केट के हमने ट्रेंड देखे जो कि बहुत स्ट्रांग अभी बता रहे हैं, मुझे लगता है ये IPO डिसअपॉइंट नहीं करेगा जो इन्वेस्टर्स हैं, अनलेस कि कोई पैनिक ना आ जाए मार्केट में. जो हमारे जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो उन्होंने SBI कार्ड्स का उदाहरण देखा ही होगा, जहां 25% हम सोच रहे थे ऊपर खुलेगा, वहां 10% नीचे, 10% के डिस्काउंट में खुला था, 7661 के प्राइस में खुला था. तो वो चीज़ को आपको, रिस्क तो आपको ध्यान में रखनी है, अपना एसेट एलोकेशन करना ही है. मतलब आपके पास समझ लीजिए 20 लाख रुपए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए आपने इसी IPO में आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो उस हिसाब 20 लाख रुपए हैं तो आपने 20,000 या 30,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक लॉट या दो लॉट के हिसाब से, अलग अलग आपके जो भी घर में जो है उस हिसाब से आपने अप्लाई किया, तो फिर आपका एसेट एलोकेशन भी बना रहता है. तो उस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है. इस IPO की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्विटी मार्केट में और हमारी पर्सनल फाइनेंस में भी. दोस्तों लास्ट में, अभी भी आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से ओपन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली मेंबर्स के भी. दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी. वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.